सो गाइस ये क्या है भाई, ये आपके भैया आपने चैप्टर पढ़ा कौन सा भाई, हैलोकेंस हैलोरिंस। तो हैलोकेंस और हैलोरिंस के ना कुछ बड़े स्पेशल कंपाउंड्स है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहला जो कंपाउंड बोलता है, देखो क्या बोलता है, अरे रुक जाओ भाई, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हैलोजन एटम आर यूजली रेफर्ड टू एज अ पॉली हैलोजन कंपाउंड। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन हो उनको हम क्या बुलाते हैं, बोलो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। एंड मैनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, सम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इसको, आप सोचे कि लास्ट टॉपिक है, थ्योरी है, नहीं आती होगी। मैं इस पे हर साल एक मार्क्स का क्वेश्चन देखता हूँ, आता है, सीबीएसई देखता है, इसीलिए बच गया था यहाँ पर और मैं आपको करवा दे रहा हूँ इससे पहले। सो गाइस बोर्ड पे देखिए, पहला जो कंपाउंड है वो है डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम मिथाइलिन क्लोराइड बोलेंगे। डाइक्लोरोमीथेन, एज इट्स नेम सजेस्ट, डाइक्लोरोमीथेन। तो मैं अगर बोर्ड निकाल लेते हैं यहाँ पर, बोर्ड भी कर लेते हैं, फायदा रहेगा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बस तुम्हें 2 मिनट का मौका मिलना चाहिए बातें करने के लिए, बिल्कुल ऐसे एक्टिव बैठे रहते हैं, दिख जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा। सो गाइस डाइक्लोरोमीथेन किसको बुलाते हैं, डाइक्लोरोमीथेन इसको बुलाते हैं, यार मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन, मीथेन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, और डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन। सो ऐसा एक कार्बन वाला दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन होंगे, लेकिन एक कार्बन वाला मीथेन और दो क्लोरीन हो गए, डाइक्लोरोमीथेन हो गया। ये हमारा पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है वो सुन लो, ये है डाइक्लोरोमीथेन, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ बातें बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर, पेंट रिमूवर, जिसको आप टारपिन ऑयल भी एक तरीके से बोलते हैं ना, कुछ टारपिन ऑयल भी एक तरीके से पेंट रिमूवर का काम करता है, ठीक है ना, बोलते हैं ना आप लोग। सो कुछ उस तरह का, या थिनर टाइप का बेसिकली आप मान सकते हैं। तो जितने भी ऐसी चीज जो पेंट रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है वो किससे बनी हुई, बोलो डाइक्लोरोमीथेन से। एक बात सुन लीजिए, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है कि विच पॉली हैलोजन कंपाउंड इज यूज एज अ पेंट रिमूवर, एज अ सॉल्वेंट फॉर द पेंट रिमूवर। एक ऐसा आपको पॉली हैलोजन कंपाउंड को बताना है जो सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है और पेंट रिमूवर के तौर पे काम करता है, मतलब एक ऐसा पॉली हैलोजन सॉल्वेंट जो पेंट रिमूवर के तौर पे काम करता है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। और ये याद करना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही बच्चों, नहीं आ रहा ना समझ में क्या कह रहा है, तो ये आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, बेसिकली छिड़काव करने वाले कुछ एरोसोल्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स बनाने में ये सबके लिए आएगा। इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल क्लीनिंग और फिनिशिंग सॉल्वेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पेंट रिमूवर आ गया तो अपने आप ही बच्चों क्लीनिंग वगैरह के लिए काम आ गया। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सपोजर टू द लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, थोड़ा बहुत अगर ये एयर में चला जाते तो थोड़ा सा सुनने में और देखने में दिक्कत आना शुरू हो जाता है, केमिकल थोड़ा हार्मफुल है। हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, इसका हायर लेवल हो, इसका नाम मिथाइलिन क्लोराइड भी है, अगर हायर लेवल हो इन एयर कॉन डिजीनेस नॉज टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड द टॉयज, मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाएंगे। इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद द मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज द इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइज कैन बर्न द कॉर्निया। सो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि स्किन को नुकसान पहुंचाएगा, अगर डायरेक्ट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आया तो किसी भी पार्ट को बेसिकली नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात, सबसे जरूरी चीज जो इस टॉपिक के अंदर मुझे अब नजर आई है वो क्या है, बोलो पेंट रिमूवर। एक तौर पे आप लोग वो याद करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेटल क्लींजिंग एजेंट या पेंट रिमूवर के तौर पे कौन सा पॉली हैलोजन कंपाउंड यूज होता है, तो आप लोग बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन वहीं से निकल सकता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं निकलेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा ऐसा कौन सा केमिकल है पॉली हैलोजन कंपाउंड में जो स्किन पे रैशेस कर सकता है या रेड कर सकता है उसको, तो ऐसा सबको ही कर सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। वो क्वेश्चन आपको देगा किसके ऊपर, जो जेन्युइनली इसके ऊपर काम करता है, क्लियर है। आज ये अगला समय नहीं कोशिश करते, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो आपको बहुत चर्चा में होगा, शायद आपको पता होगा, क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों CHCl3, क्लोरोफॉर्म फिल्मों में देखा होगा, क्लोरोफॉर्म सुनाया बंदा बेहोश होता है, ऐसा फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा, क्लोरोफॉर्म में ऐसा। आपको पता है पहले क्लोरोफॉर्म को पुराने समय में एनेस्थीसिया के तौर पे भी इस्तेमाल करा गया, पास्ट में, बहुत पहले, क्योंकि जब किसी का मान लीजिए ऑपरेशन करना है या कोई बॉडी पार्ट बेसिकली कट करना है तो सामने वाले इंसान को सुन करना पड़ेगा भाई। आजकल वो कुछ अलग, हमारे पास कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स या एनाल्जेसिक्स बेसिकली इनको बोलते हैं, वो आ गए हैं जिनके जरिए ये चीज़ करी जाती है, लेकिन पहले क्लोरोफॉर्म के जरिए डॉक्टर्स ऐसा करते थे।
लेकिन क्लोरोफॉर्म बहुत हार्मफुल है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो इंसान मर भी सकता है। तो पता लगा ऑपरेशन करने के लिए उसको सुनाया था क्लोरोफॉर्म, ऑपरेशन तो हुआ नहीं, वो मर चुका है, अब वो जग ही नहीं रहा। तो सुन लो, तो यहाँ पर खतरा ही है। तो क्या है भाई, समझो जरा, कहीं का भी हो, वो वैसे नीट में पास हुए ना भी अच्छे वैसे डॉक्टर होगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या बोलता है, केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर द फैट्स। जल्दी रीड करते हैं बच्चों, ए रीड करते हैं बस इसको। सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। द मेजर यूज ऑफ द क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22। आप लोग जानते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स में फ्रियोन्स गैस इस्तेमाल होती है, CFCs जिनको आप बोलते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? अरे यार, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, है तो पॉली हैलोजन कंपाउंड ना, कार्बन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, है ना। जैसे बोल सकता हूँ मैं CHCl या CH2Cl है बोल सकता हूँ मैं, एक क्लोरीन दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और F, या बोल सकता हूँ मैं बोलो क्या, दो Cl और दो F, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये होती है CFCs, क्या होती है बोलो, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो कहते हैं कि CFCs गैस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोलो किसका, क्लोरोफॉर्म का। इट वॉज वंस यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया कुछ सेफर एनेस्थेटिक्स के तौर पे। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट यूज एज एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहे हैं अगर क्लोरोफॉर्म बेसिकली हम सिर्फ स्मेल भी कर लेना तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली, ब्रेन को बेसिकली स्लो कर देता है। ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन, दैट इज 900 ppm। क्या मतलब इसका बताएंगे आप लोग? 900 ppm का मतलब ये होता है कि 900 पार्ट्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर हवा में 1,000,000 पार्टिकल है, 1,000,000 पार्टिकल का मतलब होता है 10^6। अरे 1,000,000, 1,000,000 पार्टिकल में सिर्फ 900 पार्टिकल भी अगर क्लोरोफॉर्म के हैं, समझे मैं क्या कह रहा हूं, 1,000,000 पार्टिकल एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें मैं कह रहा हूं 1,000 पार्टिकल, 900 पार्टिकल जो है अगर क्लोरोफॉर्म के हैं, तो बोलता है ब्रीथिंग अबाउट द 900 पार्ट्स पर मिलियन फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, फैटिग एंड हेडेक। बेसिकली आपको इससे सरदर्द और चक्कर आना शुरू हो जाएंगे बेसिकली। क्या बोलते हैं, क्रॉनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर मे कॉज डैमेज टू द लीवर एंड टू द किडनीज एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन द क्लोरोफॉर्म। और भैया आपको क्लोरोफॉर्म के कॉन्टेक्ट में आने का स्किन भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट टू एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड नोन एज द फोस्जीन। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम क्लोरोफॉर्म मंगाते हैं ना लेबोरेटरीज के अंदर, मेरे पास आई थिंक क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म को ना कभी भी ना नॉर्मल बॉटल्स तो नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन जो उसकी सील्ड पैक होती है ना वो बहुत नॉर्मल नहीं होती है, बहुत एयर टाइट सील्ड पैक होती है। जैसे कि आप लोगों ने वो कोल्ड ड्रिंक्स पिए ना जिसमें वो ओपनर से खुलता है, वैसा उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, ऐसा वाला ढक्कन नहीं लगा होता जो कोई भी खोल ले, मतलब आप हाथ से नहीं खोल सकते उसको, ओपनर चाहिए आपको, समझे। अब इसका कारण क्या है, बहुत टाइट पैक क्यों कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म अगर गलती से भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया लाइट की प्रेजेंस में तो ये बनाएगा फॉस्जिन गैस, और ये फॉस्जिन गैस जो होती है ना बहुत पॉइजनस गैस होती है, बहुत। तो एग्जाम में वन मार्क क्वेश्चन पूछा भी जा चुका पास के अंदर कि हमारे जो क्लोरोफॉर्म्स होते हैं बेसिकली इनको डार्क में क्यों रखते हैं, किसमें रखते हैं बोलो, अब डार्क में क्यों रखते हैं बताओ, क्योंकि अगर लाइट में रखा एंड समहाउ ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गई तो ये फॉस्जिन गैस बनाएंगे विच इज हाईली पॉइजनस। तो किसी ने अगर लैब के अंदर क्लोरोफॉर्म खोल दिया, सिर्फ खोल भी दिया, तो समझ रहे हैं बात को, बहुत जहरीली गैस वहां से निकलेगी, कौन सी गैस बोलो, फॉस्जिन, काम खत्म, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज फॉस्जिन, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन द क्लोज, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, आप सोचते हैं सीबीएसई कहां से क्वेश्चन बनाती है, सीबीएसई यहां से क्वेश्चन निकालती है, उसने बोला इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन द क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स। सीबीएसई को पता है जो बच्चा ध्यान से पढ़ के आ रहा है वही ये लाइन पढ़ के आएगा, बाकी बच्चे तो भैया उड़ा के आएंगे चीजें। तो वो क्वेश्चन बनाएगा कि व्हाई द क्लोरोफॉर्म बॉटल्स शुड बी स्टोर्ड इन द डार्क, क्यों भैया आपको यहाँ पर जॉब मिला हुआ है, Since on reacting with the oxygen in the presence of light, they will form a highly poisonous gas, phosgene. कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी गैस बनती है ऐसे में, तो आप बोलेंगे phosgene. कभी कभी phosgene का फॉर्मुला पूछा गया तो आप बोलेंगे COCl2. तो आप लोगों को क्लोरोफॉर्म से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मेरे को लगता है आप बता पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो क्लोरोफॉर्म डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चों आयोडोफॉर्म। अरे भैया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता हो ना, CHI3, दिस इज आयोडोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म क्या होता है वो सुन लीजिए, आयोडोफॉर्म को पास्ट में यूज कर रहे थे एंटीसेप्टिक के तौर पे। ए क्या होता है एंटीसेप्टिक,
अच्छा कौन बच्चा बताएगा एंटीबायोटिक में एंटीसेप्टिक में फर्क क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड। एंटीबायोटिक्स को हम ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं बॉडी में, काम दोनों का सेम है। सुन लीजिए, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दोनों का काम बैक्टीरिया के लिए करना है। एक और होता है इस कैटेगरी में डिसइंफेक्टेंट। सुन लीजिए, तीन चीजें होती हैं एंटीबायोटिक, सुन लीजिए नॉलेज पर्पस के लिए, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट तीन चीजें हैं। इन तीनों के अंदर एंटीबायोटिक को देखो, तीनों का काम है बैक्टीरिया किल करना, बैक्टीरिया किल करना। बट आप समझिए, आपकी बॉडी में जो जा सकती है ना चीज, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि बैक्टीरिया मारने के लिए भेजी थी आपको मार दिया उसने। तो ये बड़े लाइट, इनके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है ना वो लाइट होता है, और ये बेसिकली होते हैं एंटीबायोटिक्स। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक्स, जैसे डिटॉल वगैरह, डिटॉल सेवलॉन। ये बेसिकली अगर आपको चोट बाहर से लगती है तो उधर बैक्टीरिया ना लगे तो आप वहां पर डिटॉल या सेवलॉन लगाते हैं। बेसिकली होता है कि नहीं होता, साबुन से धोते हैं, तो वो बेसिकली है आपके एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बॉडी में बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, डिटॉल पी लिया, पीने के लिए सुटेबल नहीं है, उसे बाहर की बॉडी के लिए सुटेबल है। और तीसरी चीज आती है, जैसे आप लोग डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जैसे हार्पिक हो गया, आप लोग यूज करते घर के अंदर, होता है। अरे सिंपल सी चीज है, काम वो भी बैक्टीरिया ही किल करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन वाला होता है। आपको बता दूं मैं, वो बैक्टीरिया किल करता है ग्राउंड सरफेस के, या आप बोल सकते हैं कि जहां पर हाईली बैक्टीरियल किल करना है ना हमें, वहां पर हमें क्या चाहिए होगा? डिसइंफेक्टेंट चाहिए होगा। तीनों का काम बैक्टीरिया किल करना है, बस काम तीनों में, कंसंट्रेशन सबका अलग अलग है। समझ में आ रहा है? और यही आ रहा समझ में? क्लियर है? तीनों का काम बैक्टीरिया किल करना है, बट ऐसा नहीं चोट लगी और हार्पिक डाल लिया उसके ऊपर, खत्म हो जाएगी कहानी। सुन लो, सो फिर भाई यार, आप लोगों को हर बार थोड़ी देर में बोलना पड़ता है कि चुप हो जाओ। ट्वेल्थ के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको ये बात बोलनी पड़ रही हो। कब सीरियसनेस आएगी आप लोगों में भाई? इस तरीके से बच्चों आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे, ये बात हम जानते हैं, आप शायद नहीं जानते हो। और हम इसलिए जानते हैं क्योंकि 12 साल से 13 साल से पढ़ा रहे, 2012 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 24 आ गया है, 13वां साल है मेरे को पढ़ाते हुए। और इन 13 सालों में ना बच्चों को हर तरह का बच्चा देखा है, जैसे आप बैठे ना, आप जैसे बहुत बच्चे पहले जा चुके हैं, अनुराग जैसे करेक्टर का भी एक बच्चा था पहले, आशीष जैसे करेक्टर का भी एक बच्चा था पहले, हर तरह का बच्चा जो आज जैसा कर रहा है ऐसा कोई करने वाला पहले था। तो हमें पता होता है कौन बच्चा क्या कर सकता है। जिस तरीके से आप लोग जिस प्रोसेस में भी लगे हुए हैं, आपका मन ये कहता होगा कि मैं ऐसे बातें मस्ती करते करते भी बहुत अच्छे नंबर ले आऊँगा, मैं पढ़ लूँगा, लास्ट में ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, आप यकीन मानिए 80 क्रॉस नहीं हो पाएंगे, 100 में से 82, 83, 84। फिर कहोगे कि मैं पढ़ लेता तो बढ़िया था, बड़ा गलत हो गया यार, नंबर बड़े कम रह गए, बहुत खींच के कर लिया, 90 हो गया। 100 की उम्मीद मत करना, 99, 98 की भी उम्मीद मत करना। अगर जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो, जिसमें पढ़ा रहे हैं ना, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस टीचर की बात पे होना चाहिए। टीचर एक घंटा पढ़ा रहे हैं तो एक घंटे बस वो बात सुननी है उसको। तुम लोगों का अपना हंसी खेल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, गलत है, सही नहीं है भैया ये, ठीक है ना? अपने सेंटर से एक बच्चे के 100 भी आए हैं, पता है ना, विवेश के कराला का ये लड़का है, नहीं पता है, लगभग 2 से 3 साल पहले ही आए थे, केमिस्ट्री में 100 नंबर आए थे, बीएम भारती का ही बच्चा है वो, ट्यूशन यहीं पढ़ता था वो, 11th 12th पूरा, उसके केमिस्ट्री में 100 थे, फिजिक्स के अंदर 98, 99 ऐसे नंबर थे। और वो लड़का बहुत सीरियस था पढ़ाई को लेके, तब उसके 100 नंबर आए हैं। आप लोग जिस तरीके से चल रहे, नहीं हो पाएगा ऐसे। और ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं सकते, अभी इस बार तुम्हें पता लगा हो तो जिसने ऑल इंडिया सीए टॉप किया वो जयनगर का लड़का है, पता है किसी को? ऑल इंडिया सीए टॉपर जैन नगर का लड़का है, शिवम मिश्रा, जैन नगर से ऑल इंडिया टॉपर, ठीक है, अनुज मिश्रा सर के पास ही पढ़ता था वो। सो आप लोग ये चीज़ देखिए कि हमारे आसपास ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं, दिल्ली टॉप नहीं कर रहे, कोई लोकेलिटी टॉप नहीं कर रहे कि जोन टॉप किया, ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं। सो आपको खुद नहीं पता है, आपको खुद नहीं पता है क्या चीज़, नहीं रैंक एक ही है भैया, शिवम मिश्रा की, उसकी 83% है,
और सेकंड जो है वो 80% है, सेकंड जो है 80% है। सेकंड रैंक पे दो होल्डर्स हैं, थर्ड रैंक पे दो होल्डर्स हैं, एक रैंक पे एक ही होल्डर है वो है शिवम मिश्रा। एंड शिवम मिश्रा किसी से कोचिंग नहीं लेता था, वो बेसिकली 11th 12th अनुसर से पढ़ा है, लेकिन उसके बाद जो सीए की उसने तैयारी करी है उसने किसी से कोचिंग नहीं ली है, वो ऑनलाइन पढ़ा है। एंड ऑनलाइन वो प्रवीण मिश्रा सर से, नहीं नहीं ऑनलाइन भी वो प्रवीण मिश्रा सर से पढ़ता था, फिजिक्स वाला से नहीं पढ़ता था। प्रवीण मिश्रा सर, नहीं प्रवीण मिश्रा नहीं, सॉरी प्रवीण शर्मा है अकाउंट्स के, इनके जो सीए की लाइन के एक बहुत बड़े टीचर हैं प्रवीण शर्मा सर जो हैं, आप उनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाईएस्ट टैक्स पेयर है वो दिल्ली के एक टाइम पे, तो उनके थ्रू उनसे वो पढ़ता था बेसिकली। वो पीडब्ल्यू से नहीं था क्योंकि ये बातें हमारे बीच में हुई हैं तो हमें पता है, क्योंकि वो तो यहीं का लड़का है। बाकी जिस दिन आप ऐसे टॉप कर जाओगे ना तो आपको 36 इंस्टीट्यूट्स कॉल करेंगे कि आप हमारी तरफ से नाम दिखाना है आपको, हम आपको पैसा देंगे इस चीज़ का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो आप बोलोगे वाला पैसा देंगे आपको, एंड आपको बस ये दिखाना है कि आप हमसे पढ़े, ठीक है, और ये बिजनेस टाइप है, करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बस वैसे, तो ये आपको कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है क्लास, आप लोग भी मेहनत करिए, आपको सच में नहीं पता है कि कब क्या शिवम मिश्रा को पता होगा वो टॉप करने वाला है, आप मुझे रियलिटी बताइए। उसने पूरे भारत के सभी बच्चों को थोड़ा देखा था कि मैं उनसे आगे ही हूँ, वो उसके कंपटीशन में तो उसी दिन बैठ रहे हैं जिस दिन एग्जाम हुआ, और एग्जाम के बाद उसको पता लगा शेनू सबसे सबसे ऊपर था, है ना। तो आप मेहनत कर करके शायद उस पीक को हासिल कर सकते हैं, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना, तो हो सकता है। आप लोग बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ें हटा दो कि मुझसे तो होना नहीं, मेरे तो इतना जाना ही नहीं, आपको खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल है, जिस दिन होगा ना उस दिन विश्वास नहीं होगा। और ऐसे मस्ती करते रहोगे भाई, तो ऐसे मस्ती करने वाली तो पूरी दुनिया मस्ती कर रही है और धक्के खा रही है, आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाना, कर लेना थोड़ा सा सीरियसनेस दिया यार, अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। अब आइडोफोम की बात करते हैं। आइडोफोम जो है ना बेसिकली ये कहते हैं इट वाज यूज अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, डिटॉल सेवलोन इस्तेमाल होता है ना वैसे, बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। बट ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ना आइडोफोम की वजह से नहीं थी, इसमें से आयोडीन गैस निकलती थी, कौन सी गैस बोलो, आयोडीन गैस निकलती थी, इसकी वजह से थी। तो बाद में बोलते हैं कि एंड नॉट ड्यू टू द आइडोफोम इटसेल्फ, बट इंपॉर्टेंट चीज है, आइडोफोम का इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे, बट आइडोफोम एक्चुअली में एंटीसेप्टिक का काम नहीं करता, उसमें से आयोडीन जो गैस निकलती है वो इस्तेमाल करती है, बोलो किसके लिए, वो काम करती है, बोलो किसका, एंटीसेप्टिक का। तो बाद में क्या करा गया, ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी नहीं थी, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन, बाद में फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया ऐसे फॉर्मुलेशन से जिनमें आयोडीन मौजूद था, क्योंकि ये जो एंटीसेप्टिक का काम है कौन करती है, आयोडीन करती है, I2 करती है, CH3 यानी आइडोफोम नहीं करती है, और इसकी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल थी इसलिए इसको हटा दिया गया। बच्चों उसके बाद आते हैं, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, CCl4 ज्यादा नहीं है, 6 है बच्चों ये बस, CCl4 सर पढ़ लीजिए फटाफट से पढ़ रहे इसको बच्चों, इट इज प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स एंड द प्रोपेलेंट्स फॉर द एरोसोल कैंस, इट इज ऑल्सो यूज एज अ फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ CFCs, फिर वही आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज, अंटिल द मिड 1960s इट वॉज ऑल्सो वाइडली यूज एज अ क्लीनिंग फ्लूड both in industry as a degreasing agent and in the home as a smoke remover and as a fire extinguisher, ठीक है, fire extinguisher के तौर पे सिर्फ इसका नाम आया और किसी का नाम अब तक तो important हो जाता है, but remover के तौर पे आप लोगों का पहले भी नाम आया डाइक्लोरोमीथेन का, तो वो दोनों सेम हो जाते हैं, ध्यान रखना दोनों के लेंस सेम बन सकता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर से इसमें आया। दिस इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू द कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेस लीवर कैंसर इन द ह्यूमंस, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, लाइट हेडेक, हेडनेस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग which can cause the permanent damage to the nerve cells. In severe cases, these effects can lead rapidly to stupor, coma, unconsciousness or death. Exposure to CCl4 can make the heart beat irregularly and stop. The chemical may irritate the eyes on the contact. When CCl4 is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Important है. Ozone layer को deplete करता है. क्योंकि CFCs तो आपको पता ही है, बचपन में पढ़ाया गया था आप लोगों को इसके बारे में. Depletion of the ozone layer is believed to increase the human exposure to the ultraviolet rays, leading to increase the skin cancer, eye disease and disorders and the possible disruption of the immune system. ठीक है भाई, अब इसके बाद आते हैं बच्चों इसके ऊपर फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स या तुम लोग जानते हो, फ्रियॉन्स किन्हें बुलाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्रियॉन्स नाम इनका इस कारण से रखा गया बिकॉज ये कार्बन और फ्लोरिन के कंपाउंड थे, कार्बन और फ्लोरिन के, तो नाम रख दिया बोलो क्या, फ्रियॉन्स। सो बोलो क्या बोलेंगे, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मिथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। क्या बोलते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजिली लिक्विफेबल गैस। ये बहुत ज्यादा ना स्टेबल है, इस कारण से ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है बेसिकली, समझना मेरी बात को। क्या बोलता है,
Freon 12 is one of the most common freons in the industrial use. It is manufactured from the tetrachloromethane by the Schwartz reaction. Schwartz, आपको पता है फ्लोरीन आता है उसके अंदर, ठीक है ना? उसके बाद these are usually produced for the aerosol propellants, refrigerations and air conditioning purposes. By 1974, total freon production in the world was about 2 billion. ठीक है, most freon even that used in refrigeration eventually makes its way into the atmosphere, where it decreases unchanged into the stratosphere. मतलब बोल तो रहा है, बहुत स्टेबल है, इस कारण से ऊपर तक ये बिल्कुल अनचेंज चली जाती है. अनचेंज मतलब कि बिना किसी से रिएक्ट करे ऊपर तक चली जाती है. फिर बाद में जाके आपको पता है ओजोन लेयर को बाद में नुकसान पहुंचाती है. इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रियोन इज एबल टू इनिशिएट द रेडिकल चेन रिएक्शन दैट कैन अपसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर तक किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ओजोन के पास पहुंच के बोलो क्या हो जाता है, ये अपना रिएक्शन शुरू कर देता है और ओजोन को डिप्लीट करना स्टार्ट कर देता है. सो गाइज, ये मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रियोन से क्वेश्चन मैंने जनरली नहीं देखा, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि फ्रियोन्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं. तो आपको पता है एयर कंडीशनर सिस्टम में, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर, जहाँ जहाँ आपको कंप्रेसर्स के काम होंगे कूलिंग के लिए, वहाँ पर ये इस्तेमाल होगा. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, लेकिन जनरली वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो कॉमन जा रहे होंगे उनको नहीं पूछेगा. अब आता है बच्चों DDT. ये DDT का नाम बचपन में सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना आप लोगों ने? अरे DDT, डाइक्लोरोडाइपिनाइट ट्राइक्लोरोथेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए बच्चों. ये है DDT, कोई स्ट्रक्चर आज तक कभी नहीं पूछा, बट ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है. जैसे कि आप लोग खेतों में बेसिकली जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उसके ऊपर कीटनाशक छिड़के जाते हैं, वो बेसिकली DDT है, ठीक है ना? सो मेरी बात को समझना बच्चों, DDT द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स वॉज ऑरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873, बट इट वॉज नॉट अंटिल 1939 दैट पॉलर मुलर ऑफ द गीगी फार्मास्यूटिकल्स इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ द DDT एज एन इंसेक्टिसाइड्स. मतलब बोलना चाह रहे वैसे कि वो पहले तो बन चुका था 1873 तक, बट 1939 तक ये पता ही नहीं लगा था कि हम इसका इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब बहुत सालों तक ऐसे ही रहा था. उसके बाद क्या बोलते हैं, पॉलर मुलर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन एंड द फिजियोलॉजी इन द 1948 फॉर दिस डिस्कवरी. द यूज ऑफ द DDT इंक्रीज इनॉर्मसली ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड द मलेरिया एंड द लाइस दैट कैरी टाइफस. समझ आ रही है बेसिकली? कुछ इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर आप इसको मान सकते हैं, मेन तौर पर इस्तेमाल हुआ है. However, the problem related to extensive use of DDT began to appear in the late 1940s. बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल बाद में नुकसान पहुंचाने लगा 1940s के बाद पता लगा. Many species of the insects developed resistance to DDT and it was also discovered to have a high toxicity towards fish. The chemical stability of the DDT and its fat solubility compounded the problem. The DDT is not metabolized very rapidly. देखो अभी प्रॉब्लम क्या थी आपने समझी यहाँ पर. The chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem. कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? DDT जो है ना वो फैट सॉल्युबल है. अब फैट सॉल्युबल से मैं आपको एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बताता हूँ. हम बेसिकली कोई भी चीज़ इंसेक्ट कोई भी चीज़ बेसिकली इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए खा रहे हैं, अगर उस पर आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं यानी DDT की कुछ भी मात्रा है तो वो DDT बॉडी में गई. अब वो DDT पहली चीज़ हाईली स्टेबल है, दूसरी चीज़ फैट सॉल्युबल है, दूसरी चीज़ अब हाईली स्टेबल होने की वजह से वो बॉडी में कभी भी मेटाबलाइज नहीं हो पाएगी बेसिकली. दूसरी चीज़ों से एंजाइम वगैरह से रिएक्ट करके कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, हमेशा DDT रहेगी पहली चीज़. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो फैट सॉल्युबल है. क्या है बोलो? अब देखिए हमारी बॉडी में हम जितनी भी चीज़ें लेते हैं या तो वो वाटर सॉल्युबल होती हैं या वो फैट सॉल्युबल होती हैं. अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो बॉडी से बाहर आ जाएंगी. आपको पता है थ्रू द एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या आ जाएगी बोलो? बाहर. क्या चीज़? जो वाटर सॉल्युबल है, जो बोलो क्या है? बट इफ इट इज फैट सॉल्युबल, तो अगर वो फैट सॉल्युबल है तो एक्सक्रीशन के दौरान बॉडी से बाहर नहीं आएगी. अगर बॉडी से बाहर नहीं आएगी तो DDT बॉडी में क्या हो जाएगा बोलो? स्टोर. शायद आपको पता होगा फैट स्टोर इन टिश्यूज, लीवर, एडिपोज वगैरह आप लोग पढ़े होंगे कुछ ना कुछ, मुझे थोड़ा बहुत बस इसका आइडिया है. तो फैट बेसिकली वहां पर स्टोर होता है, तो वहां पर फैट स्टोर होता है, फैट के अंदर बेसिकली क्या मिल जाएगा बोलो? DDT. और DDT बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा. तो ये प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी कि ज्यादा DDT यूज करना मतलब बॉडी में भी DDT का आना होगा. क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? और बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है. यही इसकी एक मेजर प्रॉब्लम बताइए. द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंडेड द प्रॉब्लम. अब CBSE अगर कुछ बहुत टिपिकल लाइन चुनना चाहती है क्वेश्चन के लिए तो वो यहाँ से बना देगा. DDT का प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? क्या मेन प्रॉब्लम एनकार्ड DDT को इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंस के लिए? तो बोलेंगे ह्यूमंस के लिए मेजर प्रॉब्लम है ये फैट सॉल्युबल है और हाईली स्टेबल है, तो ये बॉडी में स्टोर हो जाएगी. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका एक मेजर प्रॉब्लम है. अब क्या बोलता है? DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय द एनिमल्स, इंस्टेड इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज. बाद में लिख दिया इसने, लिख दिया है कि बेसिकली मेटाबोलाइज मतलब कि वो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर क्योंकि बहुत स्टेबल है. डाइजेस्ट वो चीज़ हो जाएगी जो अंदर जाके किसी चीज़ से बोलो क्या हो जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी, तो डाइजेस्ट हो जाएगी बेसिकली. लेकिन ये बोल रहे हैं बहुत स्टेबल है तो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही है ना एनिमल्स के अंदर. इंस्टेड इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ह्यूमंस के लिए डीडीटी ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है, क्योंकि ये फैट सोल्युबल है तो हमारी बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज नहीं होती है, मतलब स्टेबल होने के कारण बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है, और दूसरी बात ये फैट में स्टोर हो जाती है, मतलब फैट टिश्यूज जो होते हैं ना, फैटी टिश्यूज होते हैं, मतलब जिसमें आप उसको लीवर और एडिपोज होते हैं जहाँ पर फैट स्टोर होता है, तो बेसिकली वहां पर जाके बोलो क्या हो जाएगी, डिपॉजिट और स्टोर हो जाएगी। इफ इंजेक्शन कंटिन्यूज एट ए स्टडी रेट, अगर ये चलता रहा डीडीटी बिल्ड अप विद इन द एनिमल ओवर अ टाइम, इसके अंदर बेसिकली एनिमल्स में रह जाएगा ये। द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1973, ऑल्दो इट इज स्टिल यूज इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश में शायद अभी भी होता होगा, किसी को पता है, होता होगा, इंडिया में सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल होती है जिनसे खतरा है। तो डीडीटी, सो गाइस मुझे आप लोग मुझे एक बात बताओ, बच्चों कितने पढ़े हमने, 6। यहाँ से डाइक्लोरोमीथेन से मुझे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन नजर आ रहा है पेंट रिमूवर का, बड़ा मेन तौर पे इसमें पेंट रिमूवर पे फोकस किया गया था, पेंट रिमूवर एंड क्लींजिंग एजेंट के तौर पे डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जो क्लोरोफॉर्म था आप लोग जानते हैं, इसके अंदर फोस्जिन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म को, सुनी थी, क्लोरोफॉर्म को हम डार्क में रखेंगे भैया, क्योंकि लाइट में रखने से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फोस्जिन गैस बनाता है, हाईली पॉइजनस गैस। उसके बाद बच्चों आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म यू नो दैट एंटीसेप्टिक के तौर पे पास्ट में इस्तेमाल हुआ था बट अब इस्तेमाल नहीं होता। हाँ बोलो, हाँ नहीं तब दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो ना कि आपने एयर टाइट में रख रखा लेकिन किसी ने अगर खोल दिया तो भी तो अनसेफ है ना, तो उसको डार्क में रखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्लास प्लीज, अब ये CCl4 आपको बताया गया था, ये यहाँ से कोई जनरल क्वेश्चन निकल के आता नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्वेश्चन है, फ्रियोन से भी कोई जनरल क्वेश्चन नहीं आता, बट डीडीटी से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, डीडीटी से क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है? ओ भाई समझ में आया, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, देखो यहाँ पर दिया हुआ गिव्स द यूज ऑफ फ्रियोन 12 डीडीटी कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफॉर्म यूज बता सकते हैं, या कभी यूज दे देगा आपसे क्या पूछ लेगा कौन सी चीज है। अब यहाँ आके चैप्टर पूरी तरीके से बोलो क्या होता है समाप्त, यहाँ के बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचता है इसके अंदर, सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओ भाई समझ में आया, तसल्ली से करवाया गया आप लोगों को, नेक्स्ट से तो नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा लेकिन अभी कुछ पूछूंगा। चलिए भाई क्वेश्चंस,
सुन लीजिए, आपको प्रोसेस पता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल फिर से जीरो से स्टार्ट है आज की चीज, ठीक है। नया दिन, नया दिन। अबे क्यों डर रहे हो तुम लोग? नहीं, समय नहीं है ना हमारे पास को ओवरकम करने का। सो बिल्कुल वो कोई नहीं, कल तुम हेड रहे हो, जीती हो, विनर मान लेते हैं, आज के देखते हैं आज क्या रहेगा। सो चलिए भाई क्लास प्लीज, अब आप लोगों को चुप रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पांच है, पांचों पूछूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या है, तो कोई भी दो पूछूंगा, ठीक है, एक गर्ल्स से और एक बॉयज से, ठीक है। सो गर्ल्स आपसे स्टार्ट करते हैं भाई। गर्ल्स आपको बताना है SN1 रिएक्शन यहां पर किससे मिलेगा। SN1 रिएक्शन ही मैच द फॉलोइंग है, आपको जवाब देने की, SN1 किससे मिलेगा। गर्ल्स सी ऑप्शन लॉक करूं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सी ऑप्शन। सो बॉयज आप लोग सी ऑप्शन बताओ सही है कि नहीं, वैसे ही आंसर लॉक कर दिया। SN1 किसके साथ जाएगा बोलो, सी ए, ठीक है बच्चों, आप लोग ठीक कह रहे हैं। देखिए SN1 के अंदर आपको पता है दो प्रोडक्ट बनते हैं, और दो प्रोडक्ट जो बनते हैं, एक इन्वर्जन होता है, एक रिटेंशन होता है, वो रेसमाइजेशन बन सकता है, और कुछ नहीं हो सकता बच्चों इसमें ऑप्शन। तो रेसमाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ए लड़को चलो तुम्हारी बारी, तुम्हारे को बताना है सेकेंड पार्ट, केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब तुम क्या करो, रेक्टिफाई कर लो, रेक्टिफाई कर लो। अरे फायर एक्सटिंग्विशर अभी पढ़ाया आज, वही बुक नहीं खोलनी है। चलो ठीक है, चेंज करते हैं क्वेश्चन, पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर थ्री बोलो, पार्ट नंबर थ्री, नहीं कोई नहीं, पार्ट नंबर थ्री वो आज ही गिरा है, पार्ट नंबर थ्री, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्किन्स। अब बोलो भाई, अब बोलना चाहिए, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ अल्किन्स। ई ऑप्शन लॉक कर दूं, अब तो आंसर करना चाहिए यार, जो भी आपको रह रहे हैं जल्दी करें। बोलिए बच्चों, ए ऑप्शन डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए के साथ जाएंगे, लॉक कर दूं ना, ठीक है। सो गाइस ब्रोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कोई अल्कीन थी, आप लोगों के पास कोई अल्कीन थी, और आपने इसका ब्रोमिनेशन यानी Br2 से रिएक्ट कराया। आप लोग जानते ही, रिएक्शन मैंने आपको करवाया, एक Br इधर जाएगा, एक Br इस पे जाएगा, और ये कुछ ऐसा आएगा, और इस तरह के डायलाइट्स को हम विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो विसिनल बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं करेंगे। गर्ल्स ये कौन सी रिएक्शन है, पहले वाली? पहले वाली रिएक्शन बोलो, बेंजीन एक्स आर एक्स सोडियम। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पिटिक, वुड्स पिटिक, पिनक्लिस्टन, सैंडमर्स। बॉयज आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी है, आप लोगों का सेकंड पार्ट है, सेकंड आंसर मत करना, पहले उनका होने देना, नहीं तो उनको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन नहीं है। आपका सेकंड पार्ट है, इनका फर्स्ट पार्ट है, बोलो भाई। कराई है मैंने रिएक्शन, ये बताया मुझे, दोनों करवाई है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दूं, बी ऑप्शन लॉक कर रहे हैं गर्ल्स की तरफ से। बच्चों आप बोलो, ए ऑप्शन, बिल्कुल दोनों का आंसर करेक्ट जा रहा है, क्योंकि ये बेंजीन एक्स है, ये आर एक्स है। आप लोग जानते हैं कि ऐसा वुड्स फिटिंग में होगा, ये वुड्स का होता है, फिटिंग का होता है, जैसे वुड्स फिटिंग बी ऑप्शन, एंड इसका ए, बच्चों प्लीज इसका ए ऑप्शन जाएगा, फिटिंग, बिल्कुल ठीक है बच्चों। सो +10 0 +10, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हो। चलो मतलब पढ़ के हार गए तुम लोग आज लग रहा है, ये कैसे ऑप्शंस है।
अच्छा ये दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं 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 पार्ट अलग है, सिट्रिजा चलो बड़ा है कोई हटाओ उसे, नहीं इवन ई टू तो आप पढ़ते ही नहीं ना अभी, बारी गर्ल्स आपकी है, ऑप्शन बताइए कौन सा अल्काइल हैलाइड एसएनवन रिएक्शन सबसे जल्दी करेगा, ये मैं नहीं पूछूंगा तुम लोगों से, सिंस यू डोंट नो अबाउट द क्लेमेंसन, यू डोंट नो अबाउट द वॉल किस्नर कोलबेस, तुम्हें सिर्फ वुड्स पता है, ठीक है तुम वैसे ही नहीं कर जाओगे, डी ऑप्शन बच्चों आप लोग क्या कहेंगे, एसएनवन कौन सा फास्ट देगा इनमें से, डी, क्योंकि जो जल्दी भागेगा हैलोजन, जो जल्दी हैलोजन टूट जाएगा वो जल्दी दे जाएगा, सो डी ऑप्शन करेक्ट जाता है बच्चों, आयोडीन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि आप लोग याद करिए मैंने लीविंग टेंडेंसी में सबसे जल्दी बोला था बेटर लीविंग ग्रुप होता है आयोडीन, ठीक है चलिए बॉयज चलिए, विच ऑफ इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ए, मेजॉरिटी हैंड रेज करो, ए ए के साथ कितने हैं, चलो बी बोलो बी के साथ चलिए, सो गर्ल्स सही बता रही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी होता है, आयोडीन सबसे कम, ऑप्शन बच्चे सही कर रहे हैं ये, बिल्कुल ठीक है गर्ल्स, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई क्लास, ए असर्शन रीजन है आप लोगों के लिए, ए सुनने दो भाई इनको, अब सुनो पहले, आपको अगर प्रॉब्लम आए कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है तो मैं बोर्ड में बना रहा हूं बस एक चीज बताऊंगा, बस आइसोप्रोपाइल इसको बोलते हैं, पीछे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और कह रहे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव है इससे, बस इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूं, बाकी अब आपको आंसर करने हैं एबीसीडी में से कौन सा आएगा, असर्शन रीजन है ये, करने दो गर्ल्स को, आप लोग पढ़ लो उसको, आपके भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ाई की तरीके से लो कंपटीशन को, आपके क्वेश्चन ही चल रहे हैं, बी ऑप्शन मेजॉरिटी किसको फेवर कर रही है, बी ऑप्शन को हैंड रेस करो, बी वाले कितने हैं, ठीक है बी वाले मेजॉरिटी में, क्या आंसर होना चाहिए इसका, बी, बहुत अच्छे, देखिए पहला ऑप्शन बोलता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रेस रिएक्टिव है SN2 में, अरे फिर भाई सचिन यार देखो आप लोग डिस्कशन अपने मत करिए, मैं बता रहा हूँ तो मैं ही आपको बढ़िया बताता हूँ, आपको दो से ज्यादा, तो यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, यहाँ पर आपके पास CH3Br है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज इस पर हिंड्रेंस कम है, इस पर हिंड्रेंस ज्यादा है, आपको जानते हो यही ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 में, पहली बात तो ठीक है assertion correct है, लेकिन अगली वाली बात पढ़ो कि SN2 reaction में inversion आता है, ए SN2 reaction में inversion आता है, बिल्कुल correct है inversion आता है, लेकिन ये इसके कोई reason नहीं हुआ, इसका reason तो hindrance वाला है ना, कि इसमें hindrance कम है उसमें hindrance ज्यादा है, तो दोनों बातें तो correct है, बट दूसरे वाली चीज पहले वाले का correct explanation नहीं है, so guys मुझे लगता है कि आपका option बिल्कुल correct है, A and B मतलब reason both are correct but reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है चलिए, अच्छा नहीं ये वाला नहीं करेंगे, ये बोलो आ जाओ लड़कों, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए भी, ऊपर वाला क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
एक ही आंसर। मैं तो खुद आपके साथ ही देख रहा हूँ ना क्वेश्चंस, मुझे तो एक ही लग रहा है। ये लड़के गलत कब करेंगे कुछ, इन्होंने तो गलत नहीं करा क्वेश्चन ना। लड़के लड़के तभी तभी तो तुम कंपटीशन में आगे निकलोगे। ये कुछ ना, मैं यार मैं सीक्वेंस में लाया जा रहा हूँ, मैं दिए जा रहा हूँ, मैं क्या जान मुझे करूंगा। मैंने थोड़ा ना क्वेश्चन बनाए, मैंने आपके सामने निकाले हैं, वो सफल होके आए हैं अपने आप। मुझे नहीं पता भाई ऐसा बिल्कुल, यार तुम ऐसा बिल्कुल ही मत समझो। ये क्वेश्चन मुश्किल है, ऑर्डर में ही तो दे रहा हूं मैं। तुम्हें लगता है तुम ये वाला कर लो, तुम ये वाला कर लो, अरे ये इनको आता ही नहीं होगा, ये बताया नहीं गया, डिस्कस ही नहीं हुआ है। और तो पहला डिपर ले रहे वाला क्वेश्चन, बोलो। मेरे को पता है जो चीज तुमने नहीं करी है मैं उसको क्वेश्चन नहीं दूंगा। ये वाला बताओ लेकिन जल्दी, गर्ल्स आप लोगों के लिए भी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को बोलना था भाई, रुक जाओ पहले आप लोग बताओ पहले। अब तुम्हें लग रहा है ना इनसे बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं अगला, बोलो। ए ऑप्शन लॉक कर दूं, ए वाले कितने हैं, ए वाले कितने हैं, एंड्रेस को ठीक है तो मैं ए को लॉक कर रहा हूं। बच्चों देखिए कह रहा है सी एक्स बॉन्ड इन हेलोकेन इज मोर पोलर देन द सी एक्स बॉन्ड इन हेलोकेन। क्या तुम्हें याद है हमने ना ये पढ़ा था कि नहीं, नहीं सुनो सुनो, क्या तुम्हें याद है? देखो बच्चों प्लीज, पोलैरिटी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। पोलैरिटी मतलब क्या, प्लस माइनस की वजह से, जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें पोलैरिटी भी क्या आएगी, ज्यादा। आप लोग जानते हो ये कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन sp2 है, आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिंस इट कंटेन ओनली 25% s करेक्टर, लगा नहीं इधर 25% s करेक्टर इसके अंदर ही कम। अब देखो भाई अगर तुमने नहीं पढ़ा है चैप्टर अब तक तो तुम्हें मेरा ये बताया हुआ एक्सप्लेनेशन भी समझ नहीं आएगा, पढ़ के आए हो तो पता होगा इसका 25 उसका 33% है। अब वो अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिफरेंस कम हो गया अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो पोलैरिटी भी कम आएगी, इसमें कम आएगी पोलैरिटी, इसमें ज्यादा आएगी पोलैरिटी, आपका ऑप्शन करेक्ट जाता है बच्चों। अब ठीक कर रहे हैं। सो गर्ल्स बढ़िया क्वेश्चन, द स्पीशीज दैट अटैक्स द बेंजीन इन द फॉलोइंग इज, अरे यार इसके ये देखो बात पता है क्या है, मैंने ना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान हालांकि बता रखी है वाली बात, इससे तो मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये 11th क्लास के मैकेनिज्म जाओगे तो ही पता होगा तुम्हें। सोच लो तुम, मैं तो कुछ नहीं बोलूं। लड़को तुम भी सोच लो, ये तो डिस्कस कर रहे हैं। ये ध्यान रखना ये एल एस आ रहे कहीं सी आई समझ रहे हो, ये सी एल माइनस, ये ACl4 माइनस, ये ACl3 और ये Cl+ है। ए ऑप्शन Cl- लॉक कर दूं, देख लो आपकी जो कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे।
कितने नंबर? ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएंगे। अरे मैं हंसने पे मत जाओ किसी के भी, ये हंस रहे मैं इसलिए हंस रहा हूँ, ठीक है? ये हंस रहे मैं बस इसलिए हंस रहा हूँ, किसी की हंसी पे मत जाना, ठीक है? ये किसी की हंसी पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो दिमाग कह रहे हैं ना कि कैलकुलेशन सर मुझे ये कह रहा है, आप वो आंसर करें। ये पता लगा हंस के तुम्हारा गलत करवा के, फिर तुम्हें बड़ा अफसोस होगा। चलिए अब आपको बोलना पड़ेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? जल्दी फटाफट से, ए के साथ तो मेजोरिटी ए के फेवर में है, तो मेरे को दूसरा ऑप्शन पूछना भी नहीं चाहिए। सो बच्चों ये ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अब आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन है। बच्चे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया था, क्या मैंने ये नहीं बताया था Cl2 और एनहाइड्रो? ओए लड़कों, तो ये निकलता है, नहीं बताया था कि Cl+ अटैक करेगा? मेरे शब्द भी यही थे, याद रखना कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, Cl+। माइनस कहां से आ गया? रिएक्शन का नाम था, ए क्लास, रिएक्शन का नाम था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, समझे? तब मुझे भी हंसी आ गई थी कि तुम लोगों ने गलत कर दिया और वो भी हंस रहे थे। चलो ठीक है, अब ये गलत हो गया बच्चों। क्या करते हो, आसान क्वेश्चन गलत करते हो तुम लोग, माइनस टेन के साथ के। चलो कर दो ये वाला भी बच्चों। थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड में बता देता हूं, थर्ड ब्यूटाइल ये होती है, थर्ड ब्यूटाइल ये होती है, कह रहा है थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको बोलते टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अंडरगोस, प्रेफरेबली अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय, मतलब कि अगर इस पे ओएच अटैक करेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, तो कौन सी के अकॉर्डिंग ये करेगा? SN1, SN2, एनी ऑफ एम, ए ऑप्शन, दैट इज SN1, क्योंकि बच्चों SN2 में तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। बच्चों आसान तुमसे भी था, तुमने गलत करा बस। कहाँ हुआ अभी, चुप रहो। चौबीस मैटा बॉयज, पच्चीसवां आपके लिए, ओए पच्चीसवां आपके लिए भाई, ओए पच्चीसवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चौबीस आपके लिए। अब ये भी पूछोगे यार, इथाइल मतलब दो कार्बन, प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन, ओए ये होती है, A is true, R is false. आपका जा रहा है A is true, R is false. पक्का? लॉक करने? कितने बच्चे ऑप्शन नंबर C के साथ ही फेवर कर रहे हैं? C के साथ? ऑप्शन नंबर C. ये तो बहुत डर गए हैं लड़कियां तो। बोलो। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन।
देखो बच्चों ऐसा है, ये क्वेश्चन ही गलत है, सुन लो, ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली। एक्चुअली में सुन लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। देखिए देखिए सुनिए, ओ बच्चों सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें पहली चीज बोली गई है पीछे अर्चेत, एक्चुअली कोई भी ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है इसको, रीजन मैं बताता हूँ। पहला बोलता है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्या बच्चों तुम्हें याद है कि जब क्लोरोबेंजीन होती है और जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं कॉन्क HNO3 और H2SO4 से, तो नाइट्रेशन होता है, NO2 आता है, और आपको बताइए ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग है। पहली बात NO2 मेटा पे नहीं आएगा, ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। ऑर्थो पे और मैंने बताया जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो अपने अटैक करवाते हैं ऑर्थो पे और, तो पहली बात वो बोल रहा है कि नाइट्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो वो बना रहा है मेटा वाला, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो असर्शन तो गलत है। अब असर्शन गलत है तो इन दोनों में से कुछ होना चाहिए कि रीजन दोनों में फॉल्स दिया हुआ है, ये बड़ा लोचा हो रहा है। अब क्या बोलता है अगले में, NO2 ग्रुप इज मैटर डायरेक्टिंग। भैया NO2 बताए तुम लोगों को कैसा ग्रुप होता है ये, नहीं 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 सुनिए पूरी बात सुनिए, NO2 एक तरह का विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मैटा डायरेक्टिंग है। अगर वो डोनेटिंग होता तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता, अगर वो विड्रॉइंग है तो वो मैटा है, मतलब कि ये वाली लाइन ठीक है, रीजन सही है। अब कैसा ऑप्शन है बताओ, कोई ऑप्शन है जो रीजन करेक्ट दिखा रहा हो? कोई ऑप्शन नहीं जहां पर रीजन करेक्ट हो बच्चों, रीजन करेक्ट है ही नहीं, तो ये एक भी ऑप्शन इसको सूट नहीं कर रहा है बच्चों। तो ये आपका समझ में आ गया क्वेश्चन, नहीं आया जबरदस्ती मत करिए, आप बिल्कुल बोलिए कि हाँ सर अगर आपको ऑप्शन गलत लग रही है बोलिए, सिर्फ NO2 क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि मैटर रेटिंग होता है मैटर रेटिंग, सर वो ट्रू है, सर रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है, तो ये बनेगा नहीं। बच्चों तुम लोगों से क्वेश्चन था, इनका दोबारा कर दूंगा, प्रोपेन नहीं बनेगा, चलो सुनो क्लास इधर सुनो भाई, देखो इनका जब वुड्स होगा भाई, क्लास इनका जब वुड्स होगा, ऋषभ कितनी बार बोला पीछे, बादल कार्तिक, जब इनका वुड्स होगा तो ये जब सेल्फ से रिएक्ट करेगा तो ये ब्यूटेन बना लेगा, जब ये सेल्फ से करेगा तो हेक्सेन बना लेगा, और जब ये दोनों करेंगे तो पेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन सब बनेगा, पेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन, प्रोपेन नहीं बनेगा। लड़के सही कर रहे हैं भाई वाला, आपके लिए लास्ट, बस 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 ठीक है, अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, क्योंकि आप लोगों का छूट गया था क्वेश्चन वो ये वाला, ये भी तुम्हें अच्छा ही मिला है। रुक जाओ भाई, चलो बताओ, ये एन नहीं है, ओए ये एन नहीं है, कार्बन ही है, नहीं तो तुम लोग क्यों वो सही करे जा रहे हो, हम क्या करें, उसके बदले का नया क्वेश्चन मिल गया है, ऐसे नहीं जीताऊंगा, लेकिन आज लड़कियां थोड़ा पढ़ के आई है, आज थोड़ा पढ़ गया, आज इन्होंने टक्कर दी है आप लोगों को, ये बात तो माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं, बोलो डी ऑप्शन, गाइस लॉक कर दूं डी ऑप्शन,
ठीक है। सो गाइज ए क्लास प्लीज, आप जानते हैं एसएन वन कौन पास देते हैं 3 डिग्री वाले। अब ये कि ये 3 डिग्री है और एक ये 3 डिग्री है, बिकॉज ये तो आपका 3 डिग्री नहीं है। ये देखो ना, अगर मैं इसको देखूं तो ये तो कुछ ऐसा है, इसके साथ 2 CH3 है, ऐसा है 2 डिग्री है सर ये, और ये वाला जो है ये कार्बन ही है भाई। ए फिर वही, ये तो वैसे ही 1 डिग्री है। अब एक 3 डिग्री वो एक 3 डिग्री है, अब इन दोनों 3 डिग्री में कौन जल्दी देगा? तो एसएन1 में आपको पता है पहले स्टेप पे हैलोजन निकलता है, और जल्दी कौन सा हैलोजन डिपार्ट होगा आप जानते हैं, बीआर, क्योंकि बीआर जो है बेसिकली ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है। सो हम ये कह सकते हैं बच्चों डी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। सो गर्ल्स ने ये वाला क्वेश्चन तो ठीक करा बच्चों, लेकिन आज के विनर भी कौन है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से आपके एक क्वेश्चन की वजह से गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज अच्छा खेला आप लोग। दूसरी बात, ओए क्लासरूम देखो, पहले बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, फिजिक्स के अंदर तो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आप जानते हैं, छुट्टी फिलहाल नहीं करनी है बिकॉज अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चीजें अभी चल रही हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप लोग नेक्स्ट क्लास में छुट्टी नहीं करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अच्छा मुझे बताइएगा, आपके सिलेबस में हैलोजन्स आ रहे हैं या अल्कोहल भी आ रहा है? आ रहा है अल्कोहल, पक्का पता है? तो फिर अल्कोहल करेंगे अभी, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे अभी? अल्कोहल, ठीक है, बहुत बढ़िया।